नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। 16 दिसंबर 1971 के दिन भारतीय सेनाओं के पराक्रम और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दृढ़ संकल्प की बदौलत 24 वर्षों से दमन और अत्याचार सह रहे तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को मुक्ति मिली थी। भारत पाकिस्तान के बीच हुए 13 दिन के भयानक युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 को एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी परास्त किया था, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1971 के युद्ध में करीब 3,900 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जबकि 9,851 घायल हो गए थे। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद 17 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हवास सिंह ने वर्षों तक मुक्केबाजी के खेल को नई दिशा दी तथा देश का नाम रोशन किया। पहले बॉक्सर के रूप में देश की सेवा की और अंत तक खेल से जुड़े रहे। उन्होंने 1966 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया तथा 1968 में थल सेना अध्यक्ष द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी प्रदान की गई। वर्ष 1999 में हवा सिंह के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार घोषित किया गया। हवा सिंह उस तूफान का नाम था जिसने अपने देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अपने मुक्के का दम दिखाया। ये वो शख्सियत थी जिसने बड़े बड़े मुक्केबाजों को अपने दमखम से उखाड़ फेंका। हवा सिंह के हौसले का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी दिली तमन्ना थी कि वह ओलंपिक में जाकर मोहम्मद अली का मुकाबला करे, लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों के चलते उनका यह सपना सपना ही रह गया। उनका नाम भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में हेवीवेट विजेता के रूप में प्रसिद्ध रहा। उन्होंने एशियाई खेलों में न केवल हेवीवेट का खिताब जीता बल्कि अगले एशियाई खेलों तक उसे बरकरार भी रखा। 16 दिसंबर 1937 को गुलाम भारत की धरती पर जन्म लिया उस बच्चे ने जिसे गुलाम नहीं रहना था। उसका नाम ही रखा गया हवा सिंह, वो हवा जिसे किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। हवा सिंह ने एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने के अतिरिक्त भारतीय बॉक्सिंग के इतिहास में अन्य कई शानदार पंदे जोड़े। उन्होंने 1961 से 1972 तक यानी 11 वर्षों तक अपने वजन के वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप जीती, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, तथा सर्विसेज में इतने ही वर्षों तक सफलता अर्जित की। कोई अन्य बॉक्सर इतने अधिक वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप तथा सर्विसेज में चैंपियनशिप हासिल नहीं कर सका है। 1980 में हवा सिंह ने बॉक्सिंग से संन्यास लिया तथा वापस भिवानी आ गए। भारत पाकिस्तान के बीच हुई तीसरी जंग का अंत 16 दिसंबर 1971 को करीब 1,00,000 पाक सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ खत्म हुआ। इस जंग का जिक्र जब जब होगा तब तब आपको भारत की उन सुरमाओं की कहानियां सुनने को मिलेगी जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन सुरमाओं में से ही एक है शहीद सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। आज के दिन 1971 में उनका निधन हुआ। सेकेंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल को बसंतर के युद्ध का योद्धा कहा जाता है। अरुण खेत्रपाल वह एक ऐसे योद्धा थे जिसने दुश्मन के 10 टैंक्स को तबाह करने के बाद ही सांस ली थी। 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में लेफ्टिनेंट कर्नल एमएल खेत्रपाल उनके घर पर अरुण खेत्रपाल का जन्म हुआ। जब 71 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी, अरुण की उम्र बस 21 साल थी और एक यंग ऑफिसर के तौर पर वह जंग के मैदान में पहुंचे। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित अरुण सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर युद्ध में थे। यह रैंक बहुत साल पहले खत्म हो चुकी है। खेत्रपाल की बहादुरी की कहानियां पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी सुनाई जाती है। 5 से 16 दिसंबर 1971 तक जंग चली और अरुण ने जम्मू कश्मीर के बसंतर
से मोर्चा संभाला था। बसंतर की लड़ाई 71 की जंग के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी सेक्टर में लड़ी गई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी। बसंतर की लड़ाई में लेफ्टिनेंट खेत्रपाल शहीद हो गए, लेकिन शहादत से पहले उन्होंने दुश्मन की नाक में दम कर दिया था। दुश्मन के कई टैंकों को खत्म करने के बाद टैंक में लगी आग में घिर कर अरुण शहीद हो गए। उनका शव और उनका टैंक फमोगुस्ता पाक ने कब्जे में ले लिया था, जिसे बाद में इंडियन आर्मी को लौटा दिया गया था। उनका अंतिम संस्कार सांबा जिले में हुआ और अस्थियां परिवार को भेजी गई, जिन्हें उनके निधन के बारे में काफी बाद में पता चला था। उनके टैंक पर आग लग गई और उनके कमांडर ने उन्हें वापस लौटने का ऑर्डर दिया। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपना रेडियो सेट ऑफ कर दिया था। रेडियो पर अरुण के आखिरी शब्द थे, सर मेरी गन अभी भी फायर कर रही है, जब तक ये काम करती रहेंगी मैं फायर करता रहूंगा। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।